मैं समय जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर हूं और आप जैसे जानते हैं यहां पर कई सारे डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ की जो है वो वैक्सीनेशन चल रही है, लेकिन यहां पर एक मसला बना हुआ है। पिछले दो दिन से यहां पर पीएचई के तमाम डेली वेजर्स जो हैं वो राउंड लगा रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं लग रही है। और उसके बाद आज ये इनका कहना है कि तीसरा दिन है इनका, और उसके बावजूद भी इनको टाला जा रहा है और वैक्सीन नहीं दी जा रही। और जो स्लॉट दिया गया था 30 और 31 का, उसमें आज इनका आखिरी दिन है। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आपको मैसेज में क्या लिखा हुआ है? मैसेज में सर मुझे ये लिखा हुआ है कि आपका डेट है 30 और 31 को 10 बजे सुबह, 10 बजे का टाइमिंग दिया हुआ है। अगर आप नहीं लगवाओगे तो आपकी सैलरी कट जाएगी। अच्छा, तो हम 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, आज तीसरा दिन है हमारा। वो जो सैलरी पता नहीं कितनी हमें दे रहे हैं, जो हम इनकी सैलरी पे जी रहे हैं, 700 रुपया सैलरी है, वो भी कहते हैं हम काट लेंगे अगर आपको इंजेक्शन नहीं लगेगा। और जब भी हम यहाँ आते हैं हमें यही लॉलीपॉप दिया जाता है कि इंजेक्शन खत्म है, अभी वैक्सीन नहीं है, आपका ऑर्डर नहीं है, वहाँ से ऑर्डर लाओ, वैक्सीन नहीं लग रहा हमें। आप तमाम लोग सभी अंदर गए हुए थे, जितने भी लोग हैं अंदर गए हुए थे, सर हम अंदर गए थे, हम सुबह 9:30 बजे के आए हुए हैं, तो 1-1.5 घंटा अंदर बैठे हैं। उसके बाद जो अंदर इनका DMO CMO है, उसने मुझे बोला कि भाई आधा घंटा रुक जाओ, शायद कुछ हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद हम बाहर आ गए। आपकी एज कितनी है? सर मेरी एज 43 है। आपकी 43 है। ये तमाम चेहरे आप देख सकते हैं, पिछले जितने भी लोग खड़े हैं, मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा आपको सबको लोग दिखा दें। ये तमाम पीएचई के डेली वेजर्स हैं जो यहाँ पर इनको स्लॉट के लिए सुपर स्पेशलिटी में आज का इनका लास्ट दिन है, इसके बाद हो सकता है डेट आगे मिल जाए, लेकिन फिलहाल ये लोग तमाम कन्फ्यूजन में। सर आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज जी आप भी वैक्सीनेशन के लिए आ रहे जी? जी। आपको लगी वैक्सीन? नहीं सर, नहीं कही। यही बोला, 3 दिन से यही टाल रहे हैं कि आज आओ कल आओ, बस अभी आई नहीं है, यही कर रहे हैं हमें। आज आई नहीं है और 3 दिन से टाल रहे हैं उनको। और भी लोगों से बात करते हैं, सबसे बड़ी बात ये तमाम जमावड़ा यहाँ पर वैक्सीनेशन से लगने वाले लोगों का है। मैं इनसे बात करेंगे, ये लोग इनकी परेशानी जो है वो लगातार बनी हुई है और यही कहना है कि वैक्सीनेशन नहीं लगेगी तो सैलरी नहीं मिलेगी, वैक्सीन लगेगी तो सैलरी नहीं मिलेगी। क्या एज है आपकी? मेरी एज सर इस समय है 37। तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि आप 3 दिन के अंदर अंदर वैक्सीनेशन लगाओ। सर हम कंटिन्यू आ रहे हैं, हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, गाड़ियां बंद हैं, हम पैदल चलकर आ रहे हैं। मेरे भाई कोई कोट बलवाल से आ रहा है, कोई बरन से आ रहा है, कोई अम्बगरोटे से आ रहा है, और कंटिन्यू सर पैदल आ रहे हैं यहाँ पे, कोई हमारे पास इनकम नहीं है। एक सैलरी आती है 750 रुपये, मुश्किल से अपना घर नहीं चलता सर उसके लिए। हम रोज यहाँ पे आते हैं, आज भी हम अंदर गए, हमने पूछा कि वैक्सीनेशन लगेगी, बोले जी वैक्सीनेशन खत्म हो गई है। अगर वैक्सीनेशन खत्म हो गई है तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। और सर हम सोशल सर्विस से आते हैं, हम लोग कोविड में पानी पिला रहे हैं, हम पानी पिलाना बंद कर दें तब इस तरह जो पब्लिक है वो त्राही त्राही करने लगेगी सर। लेकिन हम भी कोविड में ड्यूटी दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। हमारे कई मुलाजिम जो कोविड की वजह से बेचारे बीमार पड़े हुए हैं, उनकी बुरी हालत है, उनको देखने वाला कोई नहीं। ये गवर्नमेंट सैलरी भी नहीं देती, ये गवर्नमेंट परमानेंट भी नहीं करती। आज वैक्सीनेशन की बारी आई है, आज भी सर हमें हरासमेंट कर रहा है, हमारे साथ आज भी लूट घुसूट हो रही है। इससे पहले की वैक्सीन के लिए आप लोगों ने स्लॉट बुक कराने की कोशिश की थी? सर स्लॉट बुक भी कराया हुआ है, इन्होंने बोला है कि एक आधार कार्ड पे आप 4 करवा सकते हो। मैंने अपनी मिसेज के नाम पे करवाया हुआ है इस पे स्लॉट बुक, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई ये भी नहीं बता रहा है कि कब लगेगी, खत्म हो गई है, क्या है, किसी ने सर कोई बात नहीं कही है। क्या नाम है आपका? मनजीत सिंह। मनजीत जी आप लोग भी गए थे अंदर, क्या बोला? बिल्कुल जी, हम गए थे अंदर, हम आज नहीं गए, हम 3 दिन से लगातार जा रहे हैं, हम शनिवार एतवार आज भी आए हैं, लेकिन रोज इनका यही एक ही लफ्ज है इनके पास कि हमारे पास वैक्सीनेशन खत्म हो गई है। अच्छा, नहीं कि आपने हमको मैसेज किया हुआ डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें 30 और 31 की डेट है तो वैक्सीन नहीं लगेगी, तो फिर हम अभी नहीं लगेगी तो फिर कब लगाएंगे? देखो जी हमने पूछा उनके, लेकिन कोई सही जवाब देने को राजी नहीं है, कोई अब कोई हमें गाइड करने को भी अंदर राजी नहीं है, सही जवाब तो दूर की बात है। हम वो बस उनका यही जवाब है, अपने चीफ इंजीनियर को बोलिए, चीफ इंजीनियर अगर बोलेगा हमारे पास वैक्सीन आएगी, डीसी दफ्तर जाइए। हम डीसी दफ्तर जाएंगे क्या? हम एसेंशियल सर्विस छोड़ के पहले डीसी दफ्तर जाएंगे, डीसी को बोलेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? कितने एम्प्लॉइज अगर हम डेली वेजर्स की बात करें, आप जम्मू डिवीजन में कितने? आप खुद हमारी पहले भी न्यूज देखते रहे हो, जम्मू डिवीजन में एक डिवीजन में हजार बंदा, तो जम्मू की 4 डिवीजनों में 4000 बंदा, तो यहाँ पे हमारा तो 4000 बंदा, वो भी कौन? डेली वेजर, परमानेंट मुलाजिम अलग से है, तो डेली वेजरों को अगर नहीं लग रही है जो एसेंशियल सर्विस करे, एक तो तनख्वाह नहीं हमें टाइम पे मिल रही, दूसरा इन्होंने वैक्सीनेशन के नाम पे हमें 3 दिन से गुमराह कर रहे हैं, ऊपर से हमारे लिए नोटिस निकाल दिया भी अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी तो आपको पे नहीं मिलेगी। सर ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? यहाँ पे सिफारशी लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीनेशन, सिफारशी लोगों को लग रही है, लेकिन हमारे लिए कोई वैक्सीन नहीं है। अभी क्या अपने डिपार्टमेंट में जाके बात करेंगे कि आगे के दिन आपको दिए जाएंगे, क्योंकि जो आपको स्लॉट दिया था उस स्लॉट के तहत तो आपको मिली? हमने अपने अपने एक्सेंस को
फोन किया है यहाँ से अपने अपने जो जेईस को अपने डबल से डबल ए को, तो चीफ इंजीनियर को तो अब वही करेंगे फोन। हमने उनको अपने एक्सेंस को किया फोन, लेकिन वो कह रहे कि हम करते हैं चीफ इंजीनियर से बात क्योंकि टाइम का करते हैं। लेकिन यार अगर करना है तो हमें तीन दिन से क्यों खजल किया जा रहा है? हम एक तो डेली वेजर ऊपर से किराया खर्च करके यहाँ पे आ रहे हैं, ऊपर से इतनी गर्मी में अपना काम छोड़ के आ रहे हैं। बता दूं ये तमाम लोग आप देखेंगे चेहरे, ये तमाम डेली वेजर्स हैं पीएचसी के, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर हैं। और जो इनको मैसेज दिया गया था उस मैसेज में इनको 30 और 31 तारीख की जो डेट है वो इनको अलॉट की गई थी, आप जाइए वैक्सीनेशन लगाइए। और ये भी लिखा गया था जो एम्प्लॉई वैक्सीन लगवाएगा उसी को ही अगले महीने की सैलरी आएगी। ऊपर से ये डेली वेजर इनका यही कहना है कि तनख्वाहें भी हमें कम मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट भी बंद है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ आकर हमें पता चलता है, ये कह दिया जाता है या तो कल आइए या तो ये कह दिया जाता है कि वैक्सीन नहीं है। तो ये तमाम लोग इसी चीज़ में असमंजस में पड़ गए हैं कि दो दिन जो दिए थे वो दो दिन तो निकल गए, अब आगे के दिन हम कब जाएंगे क्योंकि डिपार्टमेंट ने अलॉट नहीं किया। ऊपर से अस्पताल वाले कह रहे हैं हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। और तमाम लोगों को ये खुद भी इनका ये कहना है कि एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए ये लोग हैं पूरे जम्मू शहर में, ये पानी उपलब्ध मुहैया करवा रहे हैं लोगों को, और अगर इनको ही वैक्सीन नहीं लगेगी तो कैसे काम करेंगे? ये फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, इनका अगर ये हाल है तो फिर बाकी शहरवासियों क्या होगा? और उसी को देखते हुए ये तमाम यहाँ पर जो है लोग इकट्ठा हुए हैं डेली वेजर और सुपर स्पेशलिटी के बाहर खड़े होकर ये विरोध कर रहे हैं और अपनी बात भी आगे प्रशासन तक पहुँचाने के लिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश बटियार, स्टेट टाइम जम्मू।